नरेंद्र मोदी जी इस घूस में, इस घोटाले में भागीदार है, चौकीदार का दावा करने वाला इंसान भागीदार बन चुका। असल जम्मू कश्मीर के नायाब शख्सियत और बिहार के रहने वाले शकील साहब, जो रियासत जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करिए। आज यहाँ जिस तरह पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में रफाल डील के मुतालिक यह जो स्कैंडल है, 132 लाख करोड़ का इस स्कैंडल के मुतालिक पूरे हिंदुस्तान में तमाम जिलों में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वही प्रोटेस्ट आज शुरुआत किश्तवाड़ में हुई, जम्मू में हुआ, वैली में हुआ, कश्मीर वैली में, और करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में लोग जो है जाग उठे हैं। पिछले 60 साल में अगर कोई स्कैंडल हुआ है, वो सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो इस मोदी ने किया है, जो कहता था मैं इस मुल्क की चौकीदारी करूंगा, आज मुल्क की पालकदारी कर रहा है। कानून को पलाई ताक रख के, आज कानून को पलाई ताक रख के ऐसा स्कैंडल सामने आया है, दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है। आज आपके टैक्स का पैसा जो है उसको चूना लगाया गया।
बहुत रियासत के लिए, मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकती है। मैं गुजारिश करूंगा हमारी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी अगर इसके साथ छेड़ स्टेट को जो स्पेशल स्टेटस है जो बहादुर महाराजा हरि सिंह ने दिया है और जो 370 के साथ जो उसकी रीढ़ की हड्डी 35 से जो एक्ट है जो उसके साथ शामिल है उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है जो केस चल रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या आप लोग 35 को हाथ नहीं, 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 नहीं। मैं नारा दूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जो वो 370 कायम रहेगा, 370 कायम, जब तक सूरज चांद रहेगा का बच्चा बच्चा। चार चीजें और है उसके अलावा, शकील साहब आपने रियासत जम्मू कश्मीर में जो इस थार प्रधान डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के मसाइल है, चोरी तो चोरी रही, जनधन योजना तो जनधन योजना रहा, राशन लोगों का बंद है, बिजली पानी से महरूम है, आज लोगों पर एक ऐसा जुल्म जनता पार्टी मोदी की सरकार ढा रही है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से खालसा सरकार को उजाड़ रहे हैं जो लोगों के पास सोच रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं ये जो आजाद साहब ने रोशनी के तहत लोगों को खालसा सरकार दिया था, क्या ये अच्छे दिन है? आज आप लोगों के पेट में छुरा मार रहे हैं और आज मक्की अंगा घास तबाह करने के लिए आपने समन जारी किए हैं। आपको मालूम है वहां लाशें गिरेंगी जहां आप लोग जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी टीम हमारे इलाके में भेजी लोगों की फसल उजाड़ने के लिए जो खालसा सरकार पिछले 60 साल से लोगों के पास है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ का हिंदू मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।